वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका दोस्त वरिन और आप देख रहे हैं श्रुति के ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आईपीएल के मैच नंबर 23 पंजाब वर्सेस एसआरएच के मैच में जिस प्लेयर ने हम सभी का दिल जीत लिया उसके बारे में एक फैक्ट बताने जा रहा हूं जो आप में से 90% लोगों को नहीं पता होगा। वैसे तो इस मैच में तीन प्लेयर्स ने हम सभी का दिल जीता था, आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी। आज मैं आपको आशुतोष शर्मा के बारे में एक फैक्ट बताने जा रहा हूं जो आप में से 90% लोगों को नहीं पता होगा। आशुतोष शर्मा ने 8 साल की उम्र में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया था और इस एसोसिएशन ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी। आशुतोष शर्मा के लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें एमपी अंडर 19 की टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ और आशुतोष शर्मा को 2 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट से बाहर कर दिया गया। इन 2 सालों में आशुतोष शर्मा डिप्रेशन में चले गए थे और उन्होंने क्रिकेट को ऑलमोस्ट छोड़ने का ही इरादा कर लिया था। उन्होंने अपने पेरेंट्स से भी बात कर ली थी कि मैं क्रिकेट को छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें रेलवेज ज्वाइन कर लेना चाहिए और रेलवेज में उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद उनका सूर्योदय हुआ और आशुतोष शर्मा आज पंजाब किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े हुए ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल श्रुति के ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए।